रिपोर्टर ने आज खबर दी है कि बात खत्म और गठबंधन हजम। अंजना जी, आपके रिपोर्टर और भारतीय जनता पार्टी से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है? आप लोगों से एक प्रश्न पूछ लिया जाए ना, बिलबिला जाते हैं, बिलबिला जाते हैं सर। अगर मैं आपको याद दिला दूं, बिलबिला नहीं, एकदम बिलबिला एकदम। अरे सर छोड़िए, अरे ज्ञान और नैतिकता कोई राजनीतिक पार्टी देने की स्थिति में है ही नहीं। राहुल गांधी संदेश खाली क्यों नहीं जाते? और अगर मैंने ये प्रश्न पूछ लिया तो ये प्रश्न ही गलत हो जाएगा। वे भ्रमण पर जब निकले हैं, वो देश को जोड़ रहे हैं, संदेश खाली में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है क्यों नहीं दिख रहा आपकी पार्टी को? श्री राम दोस्तों, तो स्वागत है आपके चैनल सलीम दुनिया में। तो आज की एक और डिबेट देखने वाला है बहुत ही शानदार, क्योंकि आज के डिबेट में जब अंजना ओम कश्यप ने इनसे अभय दुबे से कुछ सवाल क्या पूछ लिए, तो अभय दुबे डिबेट में बौखला उठे। क्योंकि अभय दुबे का कहना है कि आप हमसे ही सवाल क्यों पूछते हैं, क्योंकि आप में वो साहस नहीं है जो आप मोदी जी और बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ सकते हो। इस पर एंकर अंजना ओम कश्यप इस तरह भड़क गई कि उसने अभय दुबे की बड़ी अच्छी खासी क्लास लगा दी। तो आज की ये वीडियो बड़ी फनी एंड मजेदार होने वाली है, तो आप प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमें एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अभय दुबे जी, पता चला आप और भदौरिया साहब एक ही साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं, अगल बगल तो बैठ गए हैं लेकिन सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही क्योंकि हमारे रिपोर्टर ने यह खबर दी है। देखिए, अच्छा ये वाला फ्रेम भी दिखा दिया हम लोगों ने, दोनों साथ ही बैठे हैं, साथ तो बैठे हैं लेकिन दुबे जी बात नहीं बन पा रही है। ये खबर है, हमारे रिपोर्टर ने आज खबर दी है कि बात खत्म और गठबंधन हजम, सही है? अंजना जी, आपके रिपोर्टर और भारतीय जनता पार्टी से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है? दोनों में साहस नहीं है कि मोदी जी के जो ये गठबंधन बनाए गोली मार और गालीबाज, उनके खिलाफ बोल पाए। महाराष्ट्र में देखिए, गोली मारने पर आमादा है विधायक, और क्या क्या विधायक ने महिमा मंडन किया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का, वो सुन लीजिएगा। इनके जो साथ के दल हैं वो जेडीयू को किस प्रकार रोज आपकी डिबेट में गालियां बक रहे हैं, ये हम सब लोगों ने सार्वजनिक रूप से देखा। लद्दाख में हजारों लोग सड़कों पर हैं, वो पूर्ण अपने राज्य की मांग कर रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, उत्तर प्रदेश में 57 लाख लोगों के साथ धोखा हुआ है। पहले सरकार ने कहा कि पुलिस भर्ती में कोई पेपर लीक नहीं हुआ और अब आज जांच के आदेश कर दिए। तो पूरा हिंदुस्तान आंदोलित है और राहुल गांधी जी को जो हजारों लाखों लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है, चंदौली से उन्होंने यात्रा प्रारंभ की है, वाराणसी, अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आप देखिए पलक पावड़े बिछाकर लोग गुहार लगा रहे हैं कि जो बदहाली की कगार पर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने ढकेल दिया है, साथ आइए। अरे रुको जरा, आपने रिपोर्टर के साहस को ललकारा है तो आपको थोड़ा सा एक जवाब उस पर जरूर मिल जाना चाहिए। आपको पता है समाजवादी पार्टी एक के बाद एक अपनी लिस्ट निकाल रही है उम्मीदवारों की, और आप लोग पीछे रह रहे हैं इसमें, इस बात का एहसास है आप लोगों को? कितने दिन गिने हैं? लेकिन बीजेपी ने गिने हुए होंगे कि उनको कितने दिन में चुनाव के लिए मैदान में मतदाता उतरेगा। सवाल यह है कि आप लोगों से एक प्रश्न पूछ लिया जाए ना, बिलबिला जाते हैं, बिलबिला जाते हैं सर। अगर मैं आपको याद दिला दूं, एकदम आपने कहा आपके रिपोर्टर में इतनी साहस नहीं है कि वो ये दिखाए। जब नीतीश कुमार पलटे थे तो उन पर मैंने कम से कम घंटों घंटों बहस की होगी। एक दिन तो ऐसा भी था कि उनके पलटने की कहानी और कथा मैंने 8 घंटे सुनाई थी। नहीं, अब आप बोल गए, अब आप सुनिए। 8 घंटे उनके पलटने की कथा, इधर से उधर जाने की, हमने खूब सुनाई। आप भूल गए हैं बहुत कुछ। अगर आपको याद होता कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं सत्ता में आऊंगा तो एक दिन के अंदर शीला दीक्षित को मैं जेल में डाल दूंगा, अगर ये सारी लाइनें आपको भी याद रहती तो आप भी आज हाथ मिलाने की फिराक में नहीं लगे होते। अंजना जी, अरे सर छोड़िए, अरे ज्ञान और नैतिकता कोई राजनीतिक पार्टी देने की स्थिति में है ही नहीं, ना आप है ना वो है, इसलिए थोड़ा सोच समझ कर बोला कीजिए। प्रश्न जो पूछूं उसका जवाब, आपने गठबंधन पर कुछ जवाब नहीं दिया। आपकी प्रतिबद्धता पर कोई प्रश्न नहीं। आज इंडिया गठबंधन दल की इतनी बड़ी जीत हुई है, सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि ये हत्यारे है प्रजातंत्र के, और एक घंटे हमने उस पर बहस की। लगाना चाहता हूँ कि जो प्रजातंत्र के हत्यारे चंडीगढ़ में जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन्हें सत्ता मत दीजिए, उन्हें सजा दीजिए। वो तो कठपुतली है, वहां का पीठासीन अधिकारी उस कठपुतली को नचा दिल्ली के। राहुल गांधी, अभय दुबे जी, संदेश खाली क्यों नहीं जाते? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। राहुल गांधी संदेश खाली क्यों नहीं जाते? और अगर मैंने ये प्रश्न पूछ लिया तो ये प्रश्न ही गलत हो जाएगा क्योंकि आपको लगेगा कि ये प्रश्न क्यों पूछ रही हैं आप, जानबूझ के हमें टारगेट कर रही हैं।
पूरे भ्रमण पर जब निकले हैं वो देश को जोड़ रहे हैं, संदेश खाली में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है क्यों नहीं दिख रहा आपकी पार्टी को? सिर्फ अधीर बाबू को वहां पर आपने छोड़ दिया है? राहुल गांधी ने अधीर बाबू को छोड़ दिया? जहां भी सत्ता की सरपरस्ती में अन्याय होगा वहां राहुल गांधी खड़ा मिलेगा, वो सरकार किसी भी राजनीतिक दल की हो उससे परहेज राहुल गांधी नहीं करते। लेकिन यहां शर्मसार कर देने वाली बात यह है कि सत्ता की सरपरस्ती में अन्याय करके उनको प्रोटेक्ट, हमने देखा लड़कियों को तिल तिल कर तड़पा तड़पा कर जो हमारी मेडलिस्ट लड़कियां थी, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला आपने कभी सुना, लखीमपुर खीरी में रोंद कर मार दिया, मार डाला गया। प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट आया, हाथरस से लेकर उन्नाव तक बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, रात के अंधियार में बेटी जला दी, प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट आया। हम तो चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी किसी राजनीतिक दल के नहीं है, वो भी मुखरता से बोले। आज लहूलुहान किसानों को कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला, आपने कहा प्रधानमंत्री जी लद्दाख पर बोलिए ना, हजारों लोग सड़कों पर है प्रधानमंत्री जी, आर्टिकल 370 पर आपने कह दिया कि 370 सीटें, लेकिन रजनी वाला राहुल भट्ट बिंदु की हत्या लगातार हुई प्रधानमंत्री जी, अभय जी एक सेकंड सर, आपकी चिड़िया नहीं उड़ाई आपने? ठीकिएगा तो फिर खत्म नहीं होगा। जब उनसे मणिपुर पर सवाल पूछते थे तो वो राजस्थान गिनाते थे, आपसे आज संदेश खाली पर सवाल पूछ रहे हैं तो आप पहलवान बेटियों की याद दिला रहे हैं। यही प्रॉब्लम है, सब एक ही हैं, सबका यही काम है। आप लोग महिलाओं के खिलाफ अपराध को भी राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, और ज्ञान और नैतिकता की जब बात करते हैं ना, इसीलिए कहती हूँ कि सोच समझ कर बोला कीजिए सामने वाले पर। गौरव जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद अन्य मेहमानों के पास जाओगे। लेकिन सवाल यह है गौरव भाटिया जी कि वाकई आज जो पंजाब चंडीगढ़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है वो शर्मसार करने वाली है आपकी पार्टी के लिए? अंजना जी मैं आपकी समझ पे प्रश्न नहीं लगाना चाहता, लेकिन मैं आपत्ति जरूर दर्ज करूंगा जब आप ये कहती हैं कि सारी पार्टियां एक जैसी हैं। आपने क्योंकि सवाल मुझ पे चंडीगढ़ पे किया है, मैं जरूर उसी पर उत्तर पहले दूंगा, और ये दिखाना चाहता हूं सारे करोड़ों दर्शकों को कि भारतीय जनता पार्टी क्यों जनता का आशीर्वाद पाती है। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है वो सराखों पर है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता आप बता दीजिए, कोई भी बड़ा नेता हो, जिसने एक बार भी ये कहा है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर ने वहां किया वो उचित था। क्या यह सरकार का नीतिगत फैसला था? नहीं। लेकिन 2G घोटाला जब 122 लाइसेंस रद्द हुए तो वो सरकार का फैसला था। जीरो लॉस थ्योरी, मदर अर्थ से कोल निकला नहीं, कोलगेट घोटाला, यह सरकार का फैसला था और उसको सही ठहरा रहे थे कांग्रेस पार्टी वाले। दूसरी बात, आज एक बड़ी बात पूछी जानी चाहिए। राहुल गांधी के दो वक्तव्य आपको बताता हूं। पहला, उन्होंने कहा था भारत की न्यायपालिका मोदी जी चला रहे हैं और लोकतंत्र जो है खत्म हो गया है, और दूसरा उन्होंने कहा था न्यायपालिका जो है राज्य की आवाज नष्ट करने का उपकरण है, यह संसद के पटल पे कहा था। अंजना जी हमने तो यह फैसला स्वीकार करा। क्या रफेल पे फैसला आया, हिंडनबर्ग पे आया, पेगासस पे आया, आज राहुल गांधी गलती मानेंगे कि न्यायपालिका का फैसला वो स्वीकार नहीं कर पाए? अब मैं आज के विषय पे आता हूं। देखिए आज का जो चर्चा का विषय है अंजना जी, उस चर्चा के विषय में उत्तर प्रदेश और 2024 का चुनाव है। क्या आपको एक उत्तर मिला? क्या ये बताया गया 8 महीने में ये लोग चाय समोसा, चिकन सैंडविच और पकौड़े लाओ और कोक है कि नहीं, सब करते रहे। हमने देखा बिहार में मीटिंग हुई, कर्नाटका में हुई, महाराष्ट्र में हुई। आपकी सीट शेयरिंग हो गई है गौरव जी, आपकी सीट शेयरिंग हो गई है कि एक दूसरे पे भरोसा नहीं है? सर बिहार में आपकी सीट शेयरिंग हो गई है? जेडीयू कितनी सीटों पर लड़ेगी, यहाँ पर आरएलडी कितनी सीटों पर लड़ेगी? मैं उत्तर देता हूँ। आप इतनी ज्ञानी पत्रकार हैं कि मैं वाकई आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मुझे एक बात बताइए अंजना जी, हमारी किस घटक दल ने एक बयान दिया हो कि भाई हम तो अकेले करेंगे या हमारी सीट शेयरिंग में दिक्कत आ रही है? आप बताइए ना अंजना जी, अगर आप मुझे एक उदाहरण दे मैं अभी कान पकड़ के कहूंगा आई एम सॉरी, लेकिन एक प्लीज कहना चाहता हूं। अभय जी मेरे साथी हैं, अभय जी रुक जाइए, ऑडियो नहीं आ रहा है, बनता है मैं उनसे एक बात कहूं। अभय जी प्लीज, हाँ अभय जी प्लीज, एक काम करिएगा, राहुल गांधी से कहिएगा ये भारत तोड़ो अन्याय यात्रा सारे प्रदेशों से एक बार जरूर निकाल दे, क्योंकि जहां जहां उनके चरण पड़ते हैं
बंटाधार आपका ठीक है, छोटा सा जवाब आ रहा है। और नेहरू जी कहेगा इंदिरा से ऐसा पोता आएगा, बिल्कुल कैंपेनिंग करेगा कांग्रेस की, भाजपा को जितवाएगा, ये हाल है आज। उनको कहिए सारे प्रदेश हुआ है एक बार। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अंजना ओम कश्यप ने एक बात तो गलत बोली है कि अगर आप मणिपुर की चर्चा होती है तो आप राजस्थान का मुद्दा दिखाने लगते हो, लेकिन जब मणिपुर की बात आई तो सभी बीजेपी प्रवक्ता याद है कि मोदी जी ने भी मणिपुर पर चर्चा की है और संसद में भी नहीं डिबेट में भी की है, लेकिन इन लोगों को बंगाल के बारे में और राजस्थान के टाइम जो हुआ था उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कोई ट्वीट आता नहीं है। तो इन लोगों का चार और चरित्र लोगों को वैसे भी दिख रहा है, और वैसे आप लोगों की इस डिबेट को लेकर अपनी कुछ राय बनती है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।